जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत पाकिस्तान से हार गया, लेकिन ये मुद्दा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इस बारे में बात कर करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है, इसी चीज़ के कारण जो चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब जब पाकिस्तान जीता तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है भाई, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको खुशी हुई होगी। मतलब मुझे तो एक भी नहीं पता जिसको खुशी हुई हो, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लोग तो निकले जिनको ये खुशी हुई। और ऐसे में जब एक अध्यापिका ही इस प्रकार के काम करे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से सवाल खड़े होते हैं कि यार आखिर किस मेंटालिटी के टीचर से हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। मतलब काफ़ी तस्वीरें वायरल हो गई, अब उनका माफ़ीनामा भी सामने आ गया है, उदयपुर की ये घटना बताई जा रही है, स्कूल ने उनको निष्कासित कर दिया है, कई तरह की चीज़ें हो चुकी हैं अब। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ, ये अभी भी कई लोगों को नहीं पता है और कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। लगातार मुझे इसी को लेकर इंस्टाग्राम के ऊपर DMs भी आ रहे हैं कि यार आखिर ये माजरा क्या था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर उदयपुर का क्या मामला था और टीचर ने ऐसा क्या पोस्ट किया कि लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाते हुए उनकी नौकरी ही ख़त्म कर दी। पाकिस्तान से भारत T20 वर्ल्ड कप में हार गया। वर्ल्ड कप में ये भारत की पहली हार है। अपने देश के लोग दुखी थे और हैं भी। दुश्मन देश यानी पाकिस्तान में जश्न है। कुछ लोग हालांकि अपने यहाँ भी जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, नाच गा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर प्यार जता रहे हैं। ठीक ऐसे ही राजस्थान के उदयपुर में निर्जा मोदी स्कूल के एक टीचर नफीसा अटारी ने भी जश्न मनाया। स्कूल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। खबर की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर की रात से। भारतीय क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान की जीत के साथ ही उदयपुर के निर्जा मोदी स्कूल की शिक्षिका नफीसा अटारी ने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला। इसमें लिखा था, जीत गए, हम जीत गए, वी वॉन। किसी ने निर्जा मोदी स्कूल की शिक्षिका नफीसा अटारी का ये व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, पूछ भी लिया कि क्या आप पाकिस्तान का समर्थन करती हैं। पूछने वाले ने शर्मसार होने वाली इमोजी भी लगाई। मैडम ने बड़ी शान से जवाब दिया, हाँ। नफीसा अटारी का व्हाट्सएप स्टेटस और सवाल जवाब 25 अक्टूबर को वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए कि अगर एक शिक्षिका खुले तौर पर पाकिस्तान का इस तरह से समर्थन कर रही है तो अपनी आखिर कक्षा में क्या पढ़ाती होगी। उदयपुर के निर्जा मोदी स्कूल ने मामले में संज्ञान में लेते हुए मैनेजमेंट ने नफीसा अटारी को स्कूल से ही निकाल दिया और इसको लेकर स्कूल ने एक नोटिस तक जारी कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि निर्जा मोदी स्कूल के अध्यापिका नफीसा अटारी को सोयातिया चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग के निर्णय के अनुसार निर्जा मोदी स्कूल से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। ऑफ इंडिया ने इस खबर की पुष्टि के लिए उदयपुर के निर्जा मोदी स्कूल से संपर्क भी किया था, तो वहाँ से उन लोगों को स्कूल ने पुष्टि करी कि हाँ, नफीसा अटारी की नौकरी कल 25 अक्टूबर की बैठक के दौरान समाप्त कर दी गई है और बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही जानकारी जो है पूरी तरीके से सटीक है। नफीसा अटारी ने दावा किया कि उनकी पोस्ट को सही मायने में लिया गया। मतलब नफीसा ने बताया कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान उनका परिवार दो टीमों में बट गया था। प्रत्येक टीम ने दोनों देशों का समर्थन किया। उनके अनुसार उनकी टीम पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी, इसलिए उन्होंने जीत के बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया। ये व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने की आदत ना कई घर तोड़वाएगी। सफाई देते हुए नफीसा ने कहा कि मेरे फ़ोन कॉन्टैक्ट में शामिल बच्चों के माता पिता में से किसी एक ने मैसेज करके पूछ लिया कि क्या मैं पाकिस्तान का समर्थन करती हूँ, तो मैंने भी हाँ कह दिया। मुझे लगा कि ये एक मजाक है क्योंकि मैसेज के अंत में एक इमोजी था। नफीसा ने आगे दावा किया कि वो एक देशभक्त हैं और कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकती। भाई अब ऑब्वियस सी बात है, अब मतलब आप कुछ भी कह दीजिए फिर उसके बाद आप इस तरीके से माफ़ी मांग लीजिए तो मामला तो वहीं के वहीं शांत हो जाता है। लेकिन आपको ज़रा समझना पड़ेगा यार कि ऐसे सेंसिटिव टाइम पे आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री इमरान खान वो तक कह रहा है कि भारत से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी मैच हारा है और लोग स्टेटस डाल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। मतलब एक तो बात को अगर हम इमरान खान की भी बात मान लें कि हाँ भैया वाकई में माहौल जो है थोड़ा सा अभी भारत में अच्छा नहीं है, तो यार ऐसे माहौल में तो स्टेटस डालना नहीं बनता। अच्छा, और इसी चीज़ को लेकर उनका एक माफ़ीनामा भी सामने आया, तो थोड़ा सा आप उनका माफ़ीनामा सुन लीजिए जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार की बातें वो अपनी माफ़ी में कह रही हैं कि भाई क्या कुछ चीज़ें हुई थी। सर एक्चुअली ये था कि हम मैच देख रहे थे तो हमने घर में ही दो टीम्स डिवाइड कर ली थी और हम अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे। बस इसका ये कोई भी मतलब नहीं था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। तो किसी ने मुझे मैसेज किया तो उस पर मैंने, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हंसी मजाक का ही मूड चल रहा था तो मैंने, और उन्होंने अपने मैसेज के आगे इमोजी डाले थे तो मुझे लगा ये हंसी मजाक का मैसेज है, तो मैंने उनको यस कर दिया। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, मैं इंडिया। अब आप ही मुझे बताइए कि भाई इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर, मतलब हम देख ही रहे हैं कि कैसे, मतलब पाकिस्तान से मैच के बाद क्या कुछ चीज़ें हुई हैं भारत में और अभी किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में आखिर आप, मतलब क्या हम लोग सोचें, क्या हम लोग समझें, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो अब हम ज़रा ट्विटर की तरफ देख लेते हैं, इसलिए रिएक्शन की तरफ, किस प्रकार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक इशू
काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल कर सामने आया है। तो बिफिटिंग फैक्ट्स ने इसको लेकर कल ट्वीट किया था कि टीचर नफीसा सस्पेंडेड बाय नीरजा मोदी स्कूल फॉर हर प्रो पाकिस्तानी पोस्ट, ये इन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा अभी भी कई सारे इसको लेकर पोस्ट से 3 घंटे पहले हर्षद धामले ने लिखा था कि नफीसा अटारी टर्मिनेटेड बाय नीरजा मोदी स्कूल शी सेलिब्रेटेड पाकिस्तान्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया, ये 3 घंटे पहले का ट्वीट है। इसके अलावा ये 5 घंटे पहला है कि आतंकियों की बुआ को पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना पड़ा भारी, लिया बड़ा फैसला, नफीसा अटारी स्कूल से निष्कासित। इसके आगे वैली एक्सप्रेस न्यूज ने भी लिखा है कि टीचर नफीसा सस्पेंडेड बाय नीरजा मोदी स्कूल फॉर हर प्रो पाकिस्तानी पोस्ट। अच्छा, इन सभी चीज़ों के अलावा पाकिस्तान से कई लोग इस चीज़ को अगेंस्ट में जा रहे हैं कि भैया देखिए, एक मुस्लिम टीचर को जो कि माइनॉरिटी से आती है, उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करने को लेकर निकाल दिया गया, और आप एक व्हाट्सएप चैट को कैसे आप प्रूफ मान सकते हो, वो ये कह रहे हैं। हालांकि नफीसा जी ने खुद ही जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने माना है कि हाँ भाई, इस तरह की चीज़ हुई थी। हालांकि उन्होंने चीज़ को दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया है, अब पहलू किसका सच्चा है ये तो वो ही जाने, लेकिन हाल फिलहाल उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। शशांक शेखर झा लिखते हैं कि नीरजा मोदी स्कूल रिस्टिकेटेड टीचर नफीसा अटारी फॉर शोइंग हर सपोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर इट वॉन, ये उन्होंने चिट्ठी भी लगाई है। ऑर्गेनाइजर वीकली ने भी इसी को लेकर लिखा है। परजेश शर्मा लिखते हैं कि एक्चुअली नीरजा मोदी स्कूल प्लेड वेल, बहुत बढ़िया। प्रियांशु ने लिखा है कि द ब्यूटी ऑफ इस्लाम इज दैट दे कैन बी अ गद्दार ऑल्सो, टीचर नफीसा टर्मिनेटेड बाय नीरजा मोदी स्कूल इन उदयपुर फॉर हर पाकिस्तान विक्ट्री सेलिब्रेशन स्टेटस। इसके आगे ये एक और सहर हूँ लिखती हैं, दिस इज सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया, टीचर नफीसा सस्पेंडेड बाय नीरजा मोदी स्कूल इन उदयपुर फॉर हर प्रो पाकिस्तान स्टेटस, ये कहाँ की मैडम है ये, आई हेट दोज हु हेट द रेबल। अच्छा, ये पाकिस्तानी दिखाई पड़ रही हैं जिस प्रकार के इनके ट्वीट हैं। मतलब आप सपोर्ट में देख सकते हैं जरा, आर्मी की चीज़ें हैं, नॉट ओनली इस्लाम फोबिया, इंडियंस हैव पाकिस्तान फोबिया, नहीं नहीं ये सब चीज़ें तो ये पाकिस्तान की लग रही हैं मुझे। हालांकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा नहीं है कि ये कहाँ से हैं। तो मैडम ऐसा है कि सेक्युलर इंडिया की बात जो है ना, ये आप कांग्रेस से भी करिए ज़रा, जिससे कि उनको भी पता चले कि भैया सेक्युलरिज्म क्या होता है। एनिमस क्लियर लिखते हैं कि मुस्लिम टीचर रिमूव्ड बाय नीरजा मोदी स्कूल ऑफ उदयपुर फॉर पुटिंग व्हाट्सएप स्टेटस सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विन। अगर आप मेरे पिछले कथन के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं कि भाई कांग्रेस को लेकर मैंने क्यों बोला, तो मध्य प्रदेश की एक घटना हुई थी जिसमें कि एक कांग्रेस MLA के सुपुत्र ने एक घटना को अंजाम दिया था जिसमें कि वो 6 महीने से फरार चल रहा था, एक महिला के साथ उसने दुष्कर्म किया था। और उस केस में कांग्रेस के जो इतने बड़े बड़े नेता भी लखीमपुर जाते हैं या कहीं कहीं जाते हैं ना, जहाँ भी इस प्रकार के कृत्य होते हैं, उनमें से कोई भी कांग्रेस में किसी भी व्यक्ति ने मतलब यहाँ पे आके पीड़िता से मिलने तो दूर की बात है, उस बारे में कुछ बोला तक नहीं था, सिर्फ इसलिए मैंने बोला। हिंदू ऊर्जा लिखते हैं कि मुस्लिम टीचर नफीसा अटारी ऑफ नीरजा मोदी स्कूल हैज़ बीन रेस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल फॉर हर प्रो पाकिस्तान सेलिब्रेशन आफ्टर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट मैच यस्टरडे, देयर आर द स्नेक्स इनसाइड आवर सोसाइटी। ये मलिक लिखते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैड अनडिनायबली डेवलप्ड इनटू अ फासिस्ट स्टेट। बताइए कौन किसको बोल रहा है, मतलब हम आप एक बार अपने दामन में भी तो झांक के देखो भाई साहब, आपके दामन में कितने छेद हैं। चमेली लिखती हैं, दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल बाय नीरजा मोदी स्कूल, प्रो पाकिस्तानी टीचर शुड लीव इंडिया नाउ, कभी कभी हारना ज़रूरी होता है बहुत बड़ी जीत के लिए। मनीष लिखते हैं, हैट्स ऑफ टू नीरजा मोदी स्कूल, एंटी इंडियंस शुड बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। कश्मीरी लिखते हैं, टीचर नफीसा टर्मिनेटेड बाय नीरजा मोदी स्कूल फॉर स्टेटस सेइंग वी वॉन। अभी लिखते हैं कि गुड जॉब, दिस इज जस्ट वन पंच फॉर दोज सेइंग आई वाज जस्ट किडिंग, दैट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा। सही बात है यार, इतना है तो फिर बोलने के पहले ही सोचो ना कि यार मैं मजाक में बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी। समृद्ध जोशी लिखते हैं, ब्रिलियंट बाय नीरजा मोदी स्कूल, सोशल बॉयकॉट शुड फॉलो अनलेस द कल्प्रेट इज डाउन ऑन द नीज बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, यू आइदर सपोर्ट द कंट्री यू लिव और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट, नो प्लेस फॉर ट्रेटर्स इन द कंट्री। तो इस प्रकार से रिएक्शंस जो हैं पब्लिक के निकल कर सामने आ रहे हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि भाई स्कूल ने सही किया गलत किया, ये होना था वो होना था, 10 तरह की बातें हो रही हैं। और ये सब होना भी था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के मैच के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिली, वाकई में कई बार कई सारे पैमानों के ऊपर वो शॉकिंग थी। सिर्फ एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई सारे केसेस की बात कर रहा हूं। अब ऐसे में पब्लिक का रिएक्शन भी निकल कर सामने आ ही रहा है, तो आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।